भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या है सर? भारत जोड़ो का यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि एक दूसरे से आपस में जुड़ करके कौमी एकता और कौमी एकजुटी और भाईचारगी बढ़ाने के लिए। राहुल गांधी जी पिछले 100 दिन से भी ज़्यादा अब हो गया है, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं और कश्मीर के अंदर जा करके लाल चौक जो है श्रीनगर में उससे तिरंगा झंडा 26 जनवरी को लहराएंगे। देश की एकता अखंडता को और मजबूत करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, नफरत को ख़त्म करने के लिए भारत जोड़ो की यात्रा है। सर, वर्ल्ड वॉर टू के दौरान अगस्त क्रांति मैदान से एक नारा दिया गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसी तरह का मुंबई में आज मुंबा देवी आपके विधानसभा में भारत जोड़ो यात्रा जो है जारी है, क्या कहना चाहोगे सर आप एज एमएलए? एक ही चीज, 26 जनवरी आ रही है अभी हमारे बहुत करीब, एक ही चीज़ मैं अपने लोगों को कहना चाहता हूँ कि हम सबको एक साथ में मिलके देश के अंदर आगे बढ़ना है और हमको भारत को जोड़ना है। सर, आज जो भारत जोड़ो यात्रा आपके वार्ड में रखा गया, इस बारे में क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, आज जो ये भारत जोड़ो यात्रा है ये पूरी मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूंसी में रखा गया था और मेरे वार्ड से हसन मोहानी फ्रीडम फाइटर जो है हमारे हसन मोहानी चौक, वहाँ से नागपुर जंक्शन से इसको शुरू किया गया था और आपने देखा कि कितना जन सैलाब जैसा एक उमड़ पड़ा था कि राहुल जी के नेतृत्व में जो राहुल जी पूरे देश के अंदर घूम रहे हो, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे, उसका लोगों की ये चाहत थी कि हमारे यहाँ भी मुंबई के अंदर भी ये अपना निकले और आज हमने ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली। ये हमारा संदेश ही है कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। सर, जैसे कि देखने मिला बड़ी तादाद में लोग इसमें शिरकत किए, क्या कहना चाहोगे मुंबा देवी के लोगों को सर? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के लिए, मिलिंद देवरा जी के लिए और अमीन पटेल जी के लिए जो लोगों की मोहब्बत है ये इसको दिखाती है कि लोग खुद चल के इस यात्रा के अंदर जोड़ो। Thank you.